सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि नगर निगम चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है, अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है, लेकिन तमाम प्रत्याशी जनता के घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान अपना तेज कर दिए हैं। ऐसे में आज है हमारे साथ पूनम सिंह, जो पूर्व में नगर परिषद के अध्यक्ष रही हैं, और इनका पूरा विरासत, मतलब कह सकते हैं इनका पूरा परिवार नगर निगम नगर पालिका पर, कई नगर खासकर नगर पालिका पर इनका ही पूर्वजों का शुरू से जो है अधिकार रहा है, कब्जा रहा है। ऐसे में एक बार पुनः फिर से चुनावी मैदान में है पूनम जी। आज कहाँ कहाँ, सबसे पहले पूछेंगे कहाँ कहाँ घूमी आप? नमस्कार, आज चैनपुर के हरजन मोहल्ला, डोम टोला और चैनपुर बाजार गुरहा सब क्षेत्र। क्या देखी यहाँ अपनी आंखों से बताइए, आप आंख की नजर कहाँ कहाँ पड़ी, क्या क्या? तो देखिए, तो घर घर जाकर समर्थन मांग रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अच्छा समर्थन भी मिल रहा है, और यहाँ के जितनी परेशानियाँ हैं वो भी हम लोगों से पूछ रहे हैं, और खास करके देख रहे हैं कि आज 5 साल हो गया, 5 साल में कभी यहाँ नाली का सफाई तक नहीं हुआ है। और कल तो ऐसा देखने को मिला कि एक जो आदमी थे वो खुद से अपना नाली साफ कर रहे थे, और बोल रहे थे कि ये नगर निगम में नहीं, नरक निगम में हम लोग हैं, टैक्स दे रहे हैं मगर खुद से नाली सफाई कर रहे हैं। मतलब क्या मानते हैं कि नगर निगम नहीं, नगर अभी नरक निगम हो गया है, मतलब आपका वो तो यहाँ मेरा कहना क्या, यहाँ के जनता से भी पूछ सकते हैं आप कि 5 साल में इन लोग को कुछ भी सुविधा नहीं मिला है। तो आप क्या आश्वासन दे रही हैं? हम आश्वासन दे रहे हैं कि इस बार हमको, शुरू से हम सेवा करते आए हैं, मेरा परिवार करते आया है, और इस बार आप लोग, पिछले बार भी इस लोग सहयोग किए थे, इस बार भी हमको सहयोग कीजिए और एक बार हमको लाइए, सेवा करने का मौका दीजिए और हम आप लोग का सेवा करेंगे। हम घूम घूम कर देख रहे हैं, यहाँ कोई भी विकास का मतलब नाम नहीं है, और सबसे ज़्यादा तो यहाँ लोग ये हाईवे से परेशान हैं, जो दिन रात जो चल रहा है, धूल उड़ रहा है, लोग के दुकान में परेशानियाँ हो रही हैं, इससे यहाँ के लोग बहुत प्रभावित हैं। एक बात बताइए, जैसे आप जब जाती हैं तो कितना उम्मीद भरी नजर है कि मतलब कुछ कायाकल्प होगा, नया चीज देखने को मिलेगा? जी वो तो मिलेगा, लोगों का कहना है कि परिवर्तन तो होगा, जो एक बार गलती हो चुका है तो वो दोबारा नहीं होगा, गलती दोबारा नहीं करने के। आप एक बात बताइए, जैसे आप नजर से जो दिख रही, आप अपने नजर से क्या क्या देखी, जो समस्या नजर आया? समस्या तो सबसे ज्यादा तो यहाँ रोड है, नाली है, पानी है, आवास मिला है, लेकिन जो जिसको मिलना चाहिए उसको आवास नहीं मिला है, जो अत्यंत गरीब है उनको आवास नहीं मिला है। जैसे नया क्षेत्र जुड़ा है तो क्या लगता है नया क्षेत्र की क्या क्या सुविधाएं मिल पाई या नहीं मिल पाई, ऐसे लोगों ने क्या कहा? अभी कुछ सुविधाएं मिल ही नहीं पाई है यहाँ पे, मतलब लेकिन टैक्स, जब रोड पे झाड़ू नहीं पड़ रहा है, जब नाली नहीं साफ हुआ है, तो फिर क्या सुविधा मिल रहा है? नगर निगम का मुख्य काम होता है सफाई रखना, स्वच्छ वातावरण देना, लेकिन जब वही काम झाड़ू तक नहीं लगा तो आखिर कैसे भरोसा किया जाए कि इस क्षेत्र का विकास होगा, कायाकल्प होगा? नगर निगम में नए क्षेत्रों को जोड़ा गया लेकिन वहां पर विकास नहीं हुई, ये बातें कह रहे हैं पूनम सिंह। इनके साथ जो लोग यहां पर जिनसे मुलाकात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा एक बार गलती हुई है, पुनः दोबारा गलती नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में धूल उड़ते हैं, गाड़ियां चलती है, लेकिन सड़कों की न सफाई होती, न नली गली की सफाई तक नहीं होती है। ऐसे में क्या आप कितना उम्मीद करते हैं कि आपको लोग इस पर समर्थन देंगे? वो तो समय आने पर ही पता चलेगा, लोगों के दिल में तो है, लोगों के दिलों में है। चलिए, लोगों के दिलों में है, समय आने पर अपने मत के हिसाब से लोग ये भरोसा दिए हैं कि इस बार पुनः एक बार आप जरूर आएंगी। ऐसे में देखिए, चुनाव है, चुनाव में जो है कई वायदे होते हैं, कई वायदों का अनदेखा भी किया जाता है, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो चुनाव में खरा उतरते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मतदान की जो पेटी में वो मतदान जनता का रुझान क्या होगा, लेकिन उम्मीद भरी नजर, इनका जैसा कहना है कि उम्मीद भरी नजर है कि एक बार गलती हुई है दोबारा नहीं होगी, और पुनः इन्हें लाने का प्रयास लोग करने के लिए आश्वासन दे रहे हैं। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।